नमस्कार दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन एक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो इसे हम 100 ट्रिक से बनाने जा रहे हैं। 783 बराबर 783 का होल क्यूब प्लस 217 का होल क्यूब बटा 783 का होल स्क्वायर माइनस 783 गुने 217 प्लस 217 का होल स्क्वायर लिखें, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको इसी रूप में तोड़ेंगे, तो हम इसको ऊपर का लिखते इस रूप में, 783 प्लस 217 783 का होल स्क्वायर माइनस 783 गुने 217 प्लस 217 का होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर कर दिए हैं, बटा लिख देंगे 783 का होल स्क्वायर माइनस 783 गुने 217 प्लस 217 का होल स्क्वायर, जो ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेंगे हमें क्या, 783 प्लस 217, जिसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 7 3 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, तो हमें 1000 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो ऊपर में लिखा है क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में हम ऊपर वाले को तोड़ेंगे, तो जो कि नीचे वाला अपने आप से मिल जाएगा इस नंबर से, तो हम लिखेंगे 693 का होल क्यूब माइनस 383 का होल क्यूब बटा 693 का होल स्क्वायर प्लस 693 गुने 383 प्लस 383 का होल स्क्वायर। तो हम ऊपर का तोड़ेंगे, ऊपर का इस रूप में तोड़ेंगे, 693 माइनस 383 इंटू क्या, 693 का होल स्क्वायर प्लस 693 गुने 383 प्लस 383 का होल स्क्वायर बटा 693 का होल स्क्वायर प्लस 693 गुने 383 प्लस 383 का होल स्क्वायर, जो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा 693 माइनस 383, तो हमें प्राप्त होंगे कितना, 3 में 3 जाएगा 0, 9 में 8 जाएंगे 1, और 3 में 3 जाएगा 3, 310। यही हमारा आसान तरीका, जो हमें फॉर्मूला के माध्यम से नंबर ऑफ सिफ्टम्स को और जल्द सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपको पहले नंबर का क्वेश्चन बताया था उसी के रूप में है, तो उसको इस तरह से लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे, 963 का होल क्यूब प्लस 137 का होल स्क्वायर बटे 983 का होल स्क्वायर हो रहा है। देखो एक ऐसा ऐसा दोगे तो स्क्वायर लिखे, माइनस
983 गुने 137 प्लस 137 का होल स्क्वायर। तो हम ऊपर का इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम है। तो हम इसको इसी फॉर्मूला पर तोड़ते हैं, तो लिखेंगे 983 प्लस 137 का बिग ब्रैकेट 963, 963 का स्क्वायर प्लस 963 गुने 137 प्लस 137 का स्क्वायर बटे क्या देंगे, तो 963 का स्क्वायर माइनस 963 गुने 137 प्लस 137 का होल स्क्वायर, जो ये और ये कट जाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 963 प्लस 137। तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, 9 1 10 1000 आंसर प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा जो आपके स्क्रीन पर ये है ऊपर का है, 680 का होल स्क्वायर प्लस 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 गुने 320, और नीचे क्या है, कह सकते हैं कि ए क्यू के रूप में ये बी क्यू है, क्योंकि ऐसा ऐसा 3 गो है तो कहेंगे ए क्यू, ऐसा ऐसा बी है तो इसका क्यू करेंगे, तो कहेंगे 680 का होल क्यू माइनस प्लस 320 का होल क्यू। इसको इस रूप में लिखेंगे, 680 ऊपर का सेम उतारेंगे प्लस 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 प्लस गुने 320 बटा 680 प्लस 320 इंटू बिग ब्रैकेट दे देंगे 680 का होल स्क्वायर प्लस 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 गुने 320, जो ये और ये कट जाएंगे तो बचेंगे ऊपर एक और नीचे 680 प्लस 320 बराबर 1/0 0 8 2 10 6 3 9 1 10 यही आंसर है। थैंक दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, आपको यदि पसंद आया है तो।